छुआया। अपना वह इस टाइप की स्नो पड़ती है जब दोस्तों। आज मैं पहुंच रहा हूं गनवा मून स्टेशन गेट नंबर 5 में। यहां पे फेस्टिवल हो रहा है, जनवरी 1 तक ये फेस्टिवल चलते रहना है। जिसने आना है देखे, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग किस्म की मालूमात मिलेगी यहां पर। और ये पहले तो मैं आपको इस स्टेशन का थोड़ा सा जो है ना मालूमात बता दूँ कि यहाँ पर स्टेशन कैसे होते हैं, अंदर क्या क्या चीज़ें होते हैं। फिर मैं यहाँ पर बाहर भी आपको दिखाऊँगा कि बाहर भी बड़ा कमाल का माहौल है। इतना कमाल का है कि मैं आपको लफ्ज़ों में बता ही नहीं सकता। ये पीछे पूरा लाइटिंग से पूरा रोड सजाया हुआ है, ये मैं आगे जाके दिखाता हूँ। पहले चलते हैं स्टेशन के इंट्रोडक्शन की तरफ, फिर चलते हैं इस स्टेशन के बाहर की तरफ। साउथ कोरिया का सबवे स्टेशन है, मतलब कि हर 2 से 3 मिनट के बाद इस तरह का स्टेशन आपको मिलेगा। जैसे कि ये आग बुझाने के आले, इसके अलावा यहाँ पर हम फ्री टेलीफोन करके इमरजेंसी किसी को भी कॉल करके आग लगने की सूरत में, यहाँ पे मैप दिया हुआ है, रोड का नक्शा दिया हुआ है, कौन कौन सी ट्रेन कौन कौन सी बस यहाँ से कौन सा एग्जिट निकलता है और कौन कौन सी ट्रेन यहाँ से निकलती है। बैठने के लिए बेहतरीन सीट्स आपको नज़र आएंगी। और इसके अलावा यहाँ पे कचरा फेंकने का बहुत बेहतरीन निज़ाम है कि जो प्लास्टिक है वो एक साइड और जो कागज़ है वो एक साइड, दोनों मिक्स नज़र नहीं आएंगे आपको। इसके अलावा यहाँ पे फ्री चार्जिंग सिस्टम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फ्री चार्जिंग जोन, कि यहाँ पे अगर आपने टेलीफोन आपने चार्ज करना है तो चार्ज कर सकते हैं। और बेहतरीन स्मार्ट शॉप नज़र आएगी और फिर साथ नज़र आ जाएगी जहाँ पर आग लगने की सूरत में आपको खुद बुझाने की तरकीब भी उसमें बताई हुई है। जगह जगह आलात पड़े हुए हैं और लोगों का डिसिप्लिन ऐसा है कि जो उस साइड से आ रहे हैं वो उस साइड से आ रहे हैं। बच्चों के गुजरने के लिए छोटा गेट बनाया हुआ है ताकि बच्चे जो एक्साइटमेंट रहे हो, एनर्जी आ जाए, ताकि वो खूबसूरत गेट बनाया हुआ है बच्चों के लिए। बड़ों के लिए साइड से भी डिसिप्लिन आप देखें कि एक साइड लोग उतर रहे हैं दूसरी साइड चढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उसी साइड उतर रहे हो उसी साइड चढ़ रहे हो, उससे ये रश जो है वो ज़्यादा मज़ीद बढ़ता है। और लोग और यहाँ पर सबसे मज़े की बात यह है कि सबवे में ही नहीं पूरे सियोल में 5G इंटरनेट सिस्टम है। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेट स्पीड साउथ कोरिया की सबसे ज़्यादा है, वो फ्री है, जितना मर्ज़ी इस्तेमाल करो। ये नहीं है कि पैकेज हमने 10 रुपये का कराया और 100 रुपये उड़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। भाई यहाँ पे बहुत ही लजीज जो है ये चीज़ें मिलती है। अनिया से $1,000 का है ये, बहुत ही लजीज जो है ये भाई जो है बना रही है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। डिजाइनिंग भाई, आके चेक करते हैं कि क्या भाई, ये इन्होंने पॉली बैग करके दिया जैसे कि मैंने इस्लामाबाद तक लेके जाना है। खा के चेक कर रहे हैं, बिस्किट है, बिस्किट मजे का
अब मैं पहुंचा हूं उस जगह पे जहां पे लाइटिंग जो है जगमग जगमग कर रही है, अपने कलर्स चेंज कर रही है मुख्तलिफ किस्म के, और रश हद से ज्यादा है। अभी मैं आपको यहां का विजिट करवाता हूं, यहां पे ज्यादा इंजॉय करेंगे, चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत किस्म का नज़ारा है, ऊपर वो क्रिसमस का वो दरख्त सा बनाया हुआ है, दरख्त बनाने के साथ ही नीचे पानी का बहुत ही खूबसूरत मंजर है और पानी के अंदर लाइटिंग की हुई है, इतनी कमाल की लाइटिंग है कि आप देख के हैरान रह जाएंगे। यहाँ पर इंतहाई ज़्यादा सर्दी होती है नॉर्मली आम दिनों में, मगर यहाँ पर इस बार दिसंबर में बहुत ज़्यादा बर्फबारी नहीं हुई है जिसकी वजह से सर्दी जो है कम है, वरना यहाँ पर बर्फ पड़ी होती है और इतनी ज़्यादा सर्दी होती है कि यहाँ पर इस तरह इतने ज़्यादा लोग नहीं निकलते। नॉर्मली आम दिनों में इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं आती है क्योंकि इस बार सर्दी कम पड़ी है, जिसकी वजह से अभी 22 तारीख है, 25 तारीख को इतने लोग नज़र आते हैं। वैसे नॉर्मली 3-4 दिन पहले त्यौहार से इतने ज़्यादा लोग नज़र नहीं आते, हद से ज़्यादा रश नीचे जाना जो है, क्योंकि पानी जो है इंतहाई ठंडा होता है, बल्कि यहाँ पर बर्फ़ पड़ी होती है जिसकी वजह से लोग कम आते हैं, मगर इस बार जो है लोग इसलिए ज़्यादा है कि बर्फ़ कम पड़ी और सर्दी भी नॉर्मली है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है के बंदा यहाँ पर घूमना फिरना मुश्किल हो। देख सकते हैं आप नॉर्मली लोगों ने सर जैकेट्स पहनी हुई है, ज़्यादा मास्क वगैरह बिल्कुल नहीं लगाए हुए, यहाँ पे अपर कैप होते हैं, मतलब कि बिल्कुल आंखें नज़र आ रही होती हैं, -13 -14 टेम्परेचर नॉर्मली चल रहा होता है दिसंबर में, इस बार टेम्परेचर जो है आज चल रहा है -1 -2, इसलिए लोग ज़्यादा बच्चे भी लेकर आए हुए और इन्जॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये ट्रक शॉप जो है बहुत ज़्यादा मिलेंगी नॉर्मली फेस्टिवल और फेस्टिवल के अलावा पार्क वगैरह के बाहर, जो कि गाड़ी में होती हैं और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डिशेज अंदर जो है होटल बनाया हुआ था, बहुत ही खूबसूरत किस्म का, अगर गाड़ी को बिल्कुल आगे इंजन नज़र ना आए तो ऐसे ही लगता है जैसे कि ये शॉप है। स्टार सा बना हुआ है, इस टाइप की स्नो पड़ती है, जब बर्फबारी गिर रही होती है तो जब गिरती है किसी चीज़ पे तो इस तरह का स्टार बन रहा होता है, इस तरह का स्टार बन रहा होता है, ये स्नो का जो है ना वो मंजर दिखाया गया है। मेरा रंग भी आपको अभी चेंज होता नज़र आएगा, उसकी वजह है यहाँ पे जैसे जैसे कलर्स लाइटों के चेंज होंगे बंदे के फेस के कलर भी आपको चेंज नज़र आते जाएंगे। देखिए अभी काला होगा, कभी पीला होगा, कभी नीला होगा, कभी सफ़ेद होगा, और कभी कौन सा होगा, कभी कौन सा होगा, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यार। अच्छा, इस तरह की जगह में आने से फ़ायदा पता है क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि हमें एक अजीब सी एनर्जी आती है ऐसे लोगों को देखने में, ऐसी चीज़ें नई चीज़ें देखने में, हमारा भी दिल चाहता है इस तरह की जो है ना अवेयरनेस हमारे में आए, इस तरह की जो है ना सिस्टम आए कि लोग अपने शऊर के साथ अपने तरीके सलीके के साथ सब कुछ करें, और बहुत ही खूबसूरत बहुत ज़्यादा लोग आए हुए देखें।
감사합니다. 예, 바람정을 또 외쳐주세요. 우리 다 함께 한번 해볼까요? 바람정. 제 이름이 뭐라고요? 바람정! 감사합니다. 이거 정말 큰 크리스마스. यहाँ पे तकरीबन रात के 10 बज गए और बहुत जबरदस्त माहौल है यार, बहुत मजा आ रहा है। अभी ऊपर जो है ना स्नो तो नहीं हो रही है, मगर लाइटिंग से इस तरह बनाया हुआ है जैसे कि ये स्नो वगैरह जो है ऊपर से भी हो रही है, साइडों से भी हो रही है। अभी मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ। यार ना परदेश जावे, विछोड़ा ना किसे दे पेशे आवे, शाला मुक जान जग तो जुदाइयां अखियां चो मी वसदा। भाई वो मिल गया, मैं वहां पे हर्ट देख के मेरा सोच रहा मैं सारंग कहते आई लव यू, वहां पे लड़की ऑलरेडी खड़ी थी, मैं समझी मुझे बोल रहा है आई लव यू। सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे वेखदा रहूं, अंबर से आई है परियों की रानी, देख जिसे होती है सबको हैरानी, वो कितना प्यारा। दिल मेरा डोलना तेरे बिन नहीं लगदा, दिल मेरा डोलना, दिल तेनू दे बैठी ऐसे लई तू करना ए बेपरवाइयां।